जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें तथा बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं प्रतिभाग करें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बंधु का गठन किया गया है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। गीडा क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की प्रगति के संबंध में समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस क्षेत्र में गारमेंट पार्क, आईटी पार्क, होटल मैनेजमेंट, फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कॉरिडोर, कैंसिलेशन एवं अलॉटमेंट ऑफ वैकेंट लैंड इन गीडा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान आदि मामले प्रस्तावित हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री के संबंध में बताया गया कि गीडा के सेक्टर 13 में इस फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे छोटे उद्यमियों को निर्मित भू क्षेत्र उपलब्ध होकर त्वरित गति से इकाई स्थापना का अवसर प्राप्त होगा। इस योजना में 80 फैक्ट्रियों के लिए स्थान उपलब्ध हो सकेगा और समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 2000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सके। इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरिडोर लिंक एक्सप्रेस के संबंध में बताया कि गोरखपुर अंचल में औद्योगिक विकास हेतु लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा स्थापना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर समयबद्ध ढंग से योजना को पूर्ण करें। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 15 आवेदन लंबित है, जिसमें 3 मामले GDA, 4 पिकअप, 1 खाद्य सुरक्षा, 1 स्वास्थ्य, 6 राजस्व एवं 1 विद्युत विभाग में लंबित है। पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य 100% समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में SSP डॉ. गौरव ग्रोवर, SP श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, SP ट्रैफिक डॉ. महेंद्र पाल सिंह, प्रशिक्षु IPS मानुस पारिक, GDA VC महेंद्र सिंह तंवर, ADM सिटी विनित कुमार सिंह, CDO संजय कुमार मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। काफी लोग सर उसका लैंड यूज चेंज कर रहे हैं, सब भी है तो चाह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हो कि उसका लैंड यूज ना चेंज हो। तो DVA भी जो प्लॉट बेचता है उसमें सर एक्चुअली देखिए हमें अगर इंडस्ट्री से अर्बन एरियाज में नॉन प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री 40% डिस्काउंट भी तो रहता है। नहीं है ना सर, नहीं है साहब, अभी तो हम लोग बताओ बहुत ज्यादा सर इसमें 40% रहता है। अगर कम होगा तो साहब ये छोटे छोटे आप गीडा के बराबर तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर। DVA का जो मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड देती है उसमें भी ये लोग बहुत नॉमिनल शुल्क लेते हैं, 100 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लैंड पे खर्चा पास होता है वो एक बार हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं 20-40% का GO है, हो सकता है इनके बोर्ड में अडॉप्ट नहीं किया गया। तो अगर नहीं हुआ होगा तो चेक करो मीटिंग हम लोग देखा पड़ने बताया कि गीडा और GDA का जो जी डिफरेंस है ये जो ये हॉस्पिटल वगैरह है इसके जस्ट पास से जो लैंड है लगता है अब तो बंदा ये सारी इंडस्ट्रियल लैंड है जिस पे इलीगल कॉलोनी बन रही है।